पंकज पांडे देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और लेकर हाजिर हूं प्राइम न्यूज एट 7 PM। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर, और बड़ी खबर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक से जुड़ी। कई राहतें मिली है झारखंड की जनता को इस अनलॉक में। झारखंड में 9 से 12 तक स्कूलों में ऑफलाइन क्लास की अनुमति सरकार ने दे दी है। कॉलेजों में UGPG की क्लासेस भी होंगी। स्कूल कॉलेज दोपहर 12 बजे तक ही चलेंगे। क्लास में AC चलाने की अनुमति नहीं होगी। केंद्र और राज्य की सभी परीक्षाएं ऑफलाइन ली जाएंगी। इंटरस्टेट बसों को चलाने को भी परमिशन मिल गया है। होटल रात 10 बजे तक खुले रह पाएंगे। संडे वीकेंड लॉकडाउन में राशन, फल, सब्जी, होटल खोलने की अनुमति दी गई, यानी कि वीकेंड लॉकडाउन में भी काफी राहत मिली। इसके अलावा स्कूल जो ऊपरी क्लास है 9 से लेकर 12 तक, वहां पर पढ़ाई शुरू होगी। PG UG के क्लासेस भी कॉलेज में शुरू होंगे और इंटरस्टेट बसों का परिचालन शुरू होगा। ये बड़ा फैसला इस वक्त का। तो कोरोना काल में लगातार कई तरह की पाबंदियों को झेल रही जनता को राज्य सरकार ने बड़ी राहत देते हुए कई नई छूटें दी हैं, और इसमें सबसे अहम है स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की शुरुआत करना, कोचिंग क्लासेस का खोला जाना, जिसको लेकर लगातार जो छात्र हैं, जो अभिभावक हैं, वो मांग कर रहे थे। हालांकि अभी भी जो स्कूल हैं वो अपने विवेक के आधार पर ही क्लासेस को शुरू करेंगे, क्योंकि अगर अभिभावक तैयार नहीं होंगे अपने बच्चों को स्कूल जाने देने के लिए तो वहां पे क्लासेस नहीं होंगे। लेकिन ये निर्भर करेगा कि जो लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो करें, और जो ऑफलाइन लेना चाहते हैं यानी कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र, वो ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी राहत की खबर, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक चाहते थे कि उनके बच्चे स्कूल जाए पढ़े, क्योंकि जो फिजिकल अपीयरेंस होता है स्कूल कॉलेज में, जो इंट्रैक्शन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो चीजें ऑनलाइन क्लासेस में कहीं ना कहीं लैक होती हैं। तो सरकार को इस बात को लेकर लगातार इस तरह के सुझाव मिल भी रहे थे। हालांकि अभी भी अभिभावक ही तय करेंगे कि क्या अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या नहीं, वो ऑफलाइन के माध्यम को चुनते हैं या नहीं, ये सब कुछ अभिभावकों पर निर्भर करेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी राहत सबसे बड़ी सरकार ने दी है वो ये कि कोचिंग जो है वो खुल पाएंगे। हालांकि कोचिंग संस्थानों में तमाम सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा। ये कोचिंग चलाने वाले संचालक को सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहाँ किसी भी तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं हो रहा हो, तमाम कोरोना के अनुकूल व्यवहार वहां पर अपनाए जा रहे हों। इसके साथ साथ इंटर स्टेट बसों का परिचालन शुरू करने की इजाजत मिल गई। हालांकि लगातार सरकार को ये शिकायतें मिल रही थी कि कुछ जो वाहन है वो चोरी छुपी ये काम कर रहे हैं, और लगातार उन पर कार्रवाई भी हो रही थी, लेकिन अब सरकार ने खुद अपने तरफ से राहत दी इंटरस्टेट बसों के परिचालन की। वर्तमान परिस्थितियों में कहां क्या दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, और फिर जो तीसरे वेव के लिए भी हमको कैसे सतर्कता बरतनी है, सारे विषय पर बहुत गंभीरता पूर्वक करीब 2 घंटे तक लंबी बैठक चली है। उस बैठक के उपरांत कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाद बाकी आपको संपूर्ण जानकारी विभाग के सचिव के द्वारा आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो उसमें पहला है कि जैसे रविवार को हम लोगों ने बंद रखा था, उसमें रविवार को हम होटल वगैरह खोलेंगे, आवश्यक चीज़ जैसे है फल है, दूध है, मेडिकल का सामान है, फिर ग्रॉसरी का सामान है, तो 10 बजे रात तक होटल वगैरह खोलने का हम लोगों ने ये किया है। उसमें दूसरा है कि जितने सरकारी कार्यालय हैं या निजी कार्यालय हैं वो 100% उपस्थित रहेंगे, जो पहले हम लोग 50% किए हुए थे। स्कूलों में कक्षा 9, 10, 11, 12 की ऑफलाइन क्लास जो है उसकी भी अनुमति दे दी गई है, अभिभावक की अनुमति पर, ठीक है, जो चाहेंगे। और कॉलेज में UG PG की जो है फाइनल ईयर की कक्षा की अनुमति प्रदान कर दी गई है। स्किल डेवलपमेंट जो सेंटर हैं उसमें IT और जो भी उससे जुड़े हुए हैं सारे खुले रहेंगे, ठीक है, उसमें खोलने का उसमें हम लोगों ने ये कर दिया है। इसी के साथ सभी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं, राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली परीक्षाएं, UG और PG में फाइनल ईयर की परीक्षाएं की अनुमति दी गई है ऑफलाइन भी, ठीक है। अंतर्राज्यीय बस सेवा की अनुमति दी गई है।
शादी विवाह समारोह में जो 50 लोग कहिए था उसको 100 कर दिया गया है। रेस्टोरेंट जितने भी हैं खाने पीने के, वो रात 10 बजे तक इतवार सहित, पहले इतवार को बंद था, इतवार सहित चालू रहेंगे, ठीक है। वही हम बोल रहे हैं कि वो चालू रहेंगे बैठा के खिलाने का। और 18 वर्ष से ऊपर के छात्रों के लिए जितना कोचिंग सेंटर हैं वो सारे कोचिंग सेंटर को खोलने का हम लोगों ने निर्णय किया है, लेकिन उसमें जो है टीकाकरण करना की अनिवार्यता होगी। और हम लोग निवेदन करेंगे कि जो भी स्कूल वगैरह हैं जिसमें एसी वगैरह के क्लास हैं वो एसी वगैरह के क्लास नहीं हो और बच्चों को दूर बैठा कर